मेरे सामने आज खड़ा है द माइटी ZX10R 21st सेंचुरी का बेस्ट लीटर क्लास सुपर बाइक। इसी बाइक ने 6 बार जोनाथन रे को जिताया है WSBK चैंपियनशिप। स्पेशल थैंक्स टू सुमित दा फॉर अलाउइंग मी टू डू अ राइड रिव्यू ऑफ हिज बीस्ट मशीन। इस बाइक में आपको मिल जाता है 998cc का इनलाइन 4 इंजन विद अ पावर आउटपुट ऑफ 213 PS विद रैम असिस्ट एंड 114.9 Nm ऑफ टॉर्क। 6-speed गियरबॉक्स जिसमें फर्स्ट 3 गियर रेशियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है फॉर बेटर सिटी कम्यूट। किसी भी एंगल से देखो भाई लोग ये कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। प्लस आपको एक बहुत ही प्यारा शानदार एक 4.5 इंच का TFT स्क्रीन मिल जाता है विथ विच शोज मतलब रिलेवेंट क्या बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो मैं अभी इस वीडियो में बता नहीं सकता और दूसरा कोई वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इतना ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। देखिए मैंने इसका जो हेडलाइट है LED हेडलाइट ऑन कर दिया। देखिए अगर कोई भी अगर बाइक इसके साथ खराबी रहे तो लोग मुड़ मुड़ के इसी बाइक को देखता है बिकॉज ऑफ इट्स रिवाइज एरोडाइनमिक बॉडी वर्क। इसमें मिल जाता है एक 17 लीटर का मैसिव क्लास लीडिंग फ्यूल टैंक। 2021 वाला मॉडल में जो विंडस्क्रीन है उसमें थोड़ा सा रेस किया गया है विद 40 mm हाइट। एक बार बंद कर देते हैं गाड़ी को फिर हम लोग वापस एक बार चलाएंगे। बाय द वे गाइस खुशी के मारे मैं भूल गया था ये यूट्यूब चैनल है, इसमें वेलकम भी करना होता है। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ सम्राट एंड यू आर वाचिंग बॉन्ग कनेक्ट राइडर। तो गाइस दिस इज द टाइम, चलिए एक बार गियर अप हो लेते हैं और आई एम टू एक्साइटेड। चलिए चलिए देखते हैं कैसा लगता है, कर लेते हैं स्विच ऑन। आई लव दिस स्क्रीन मैन। हो लिसन टू द एग्जॉस्ट साउंड मैन, इतना प्यारा इसका एग्जॉस्ट है। एज ये सुमित भैया का बाइक है तो मैं उतना ज़्यादा रेव या स्ट्रेच नहीं करूँगा, बहुत ही ध्यान से इस बाइक को चलाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा बाइक नहीं है भाई, 18 लाख का बाइक है, दूसरे का है तो उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा। भाई पहली बार इसको हाईवे में चला रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा हेवी वेट बाइक है। इसको इतना लाइट लग रहा है ये बाइक। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था इसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर है वो बहुत ही शॉर्टर रेशियोज में डाला गया है क्योंकि अगर कोई इस बाइक को सिटीज में चलाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, वो बेटर कम्यूट फॉर बेटर कम्यूटिंग और बहुत ही ज़्यादा उसको पुल लेने में इनिशियल पिकअप लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और जो उसके बाद जो 4th, 5th एंड 6th गियर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरवल के बाद है क्योंकि अगर कोई हाईवे हिट करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है क्योंकि अगर हाईवे में इसके साथ कोई और बाइक की रेस भी लगा लो भाई, कोई और बाइक डैम शेड्यूल पकड़ ही नहीं पाएगा इस बाइक को। एक चीज़ अच्छा हुआ है जो इसका जो विंडस्क्रीन है, जैसे मैंने बताया था 40 mm इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, इसको आप इजीली टकिंग कर सकते हो। आपका जो पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है बाइक चलाते हुए। आपका अगर बैक पेन है तो भाई ये बाइक आप बिल्कुल मत लो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को थोड़ा सा लेजी लेट बाइक चाहिए, ये वैसा बाइक नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसको आपको चलाना है तो आप मतलब इजीली ये 100 तो ईजी पिकअप कर लेता है, 70-80 तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे का बाइक है तो मैं इसको ऑब्वियसली ध्यान से चलाऊंगा, ज़्यादा उसको रेव नहीं करूंगा। पता नहीं भाई मैं इतना सारा रामायण तो बक तो रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई कुछ दे रहा है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेच अच्छा मिला है इसमें, थोड़ा सा बाइक का एक बार स्ट्रेच करके देखते हैं। कोई शर्म नहीं है भाई, थोड़ा सा डर तो लग रहा है भाई जी, मतलब वो जिस वक्त वो 100 ट्रिपल डिजिट टच कर रहा है, एक जो एग्जॉस्ट का एक हल्का सा आपको पीछे से साउंड आएगा भाई, बाइक थोड़ा सा पुल मार रहा है आपको, बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसका बाइक का जो फ्रंट व्हील है वो उतना फट से उठ नहीं जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड विंगलेट, वो इंटीग्रेटेड विंगलेट देने के कारण अपना जो रोड है उसको पूरा चिपक के बाइक चलता है, ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर आप पहली बार चला रहे हो मेरे जैसा तो थोड़ा सा भाई इसको डर तो लगेगा। चलिए एक बार सर्विस रोड में चले जाते हैं।
एक्चुअली सर्विस रोड में आने का एक कारण है, मुझे कुछ शेयर करना है गाइज आप लोग के साथ। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ ये बात लेकर डिस्कस करूँ। 26 जनवरी को एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, ही वॉज राइडिंग KTM बाइक के साथ एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पे। वो आधा दिन ढाबा आने वाला था, बहुत सारे राइडर्स निकले थे उस दिन। और वो एक्सीडेंट होने के बाद जो चीज़ बहुत ही ख़राब लगा कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिन लोग को देख के लोग फ़ोटो खींचते हैं, जो इंस्पायर करते हैं इतने सारे यूट्यूबर्स को, वो लोग उस एक्सीडेंट को एज अ क्लिक बेट यूज़ कर रहे हैं अपने यूट्यूब में व्यूज़ लेने के लिए, अपने यूट्यूब इनकम को अर्न करने के लिए। बहुत ही ख़राब लगता है यार, आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा इंकरेज मत करिए, बहुत ही ख़राब लगता है। आप इस चीज़ को बताइए कि आप ओवर स्पीडिंग मत करिए, ध्यान से बाइक चलाइए, प्रॉपर गियर अप रहे। अगर गियर खरीद नहीं पा रहे हो तो कोई नहीं भाई, आप एटलीस्ट कम से कम आप ध्यान से बाइक तो चलाइए। अगर वो आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो वही बहुत बुरी बात है। आप उस चीज़ को लेके एज अ वे ऑफ अर्निंग मत यूज़ करिए, क्लिक बेट मत यूज़ करिए। छोटे यूट्यूबर्स जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं क्योंकि आप बड़े यूट्यूबर्स लोग कर रहे हो। आप अगर खुद नहीं करोगे, आप इस चीज़ को अगर एज अ क्लिक बेट यूज़ नहीं करोगे तो देखिएगा छोटे यूट्यूबर्स भी नहीं करेगा, क्योंकि आप ही लोग हो जो ये सब मतलब जो मोटिवेट करते हो इतने सारे यूट्यूबर्स को, इतने सारे बाइकिंग कल्चर, इतने सारे बाइकर्स को आप लोग मोटिवेट करते हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि भाई आप लोग बहुत बड़े हो, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हो, बहुत लोग आप लोग को फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स आप लोग का बहुत सारा है, मिलियंस एंड मिलियन फॉलोअर्स है आप लोग के पास। तो आप लोग का थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरा। कोई भी किसी का मौत को लेके उसको एज अ वे ऑफ इनकम मत यूज़ करिए, बस यही है। बस बाकी लोग राइड करिए, मौज करिए, अपना क्या है, मतलब इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा। थोड़ा सा अगर राइड कर रहे हो NH में करो, सिटीज़ में करो, थोड़ा सा ध्यान से करिए, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से कोई आपका तो नुकसान होगा ही होगा, किसी दूसरे का भी हो सकता है। बस यही था भाई। बाय द वे थैंक्स अगेन टू सुमित दा। ये जो लाइनअप आप देखें, ये कावासाकी का ही लाइनअप है। देखिए लेफ्ट में, राइट में, हर जगह कावासाकी का बाइक खड़ा हुआ है। मैं एक बार बाइक को पार्क कर दूँ भाई, बहुत बहुत हेवी बाइक है, पार्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहली बार लेके निकला हूँ भाई। आप लोग के बाद दिखा देता हूँ कितने सारे कावासाकी बाइक्स आया हुआ है। ये वापस एक कावासाकी का मीटअप ही है जो इस संडे को हुआ था। ये सारा जो यहाँ पे बाइक खड़ा हुआ है सारे कावासाकी का ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 टू Z650, निंजा 650, Z900, ZX10R, और उस साइड में अब देखिए कितने सारे बाइकर्स हैं। तो आज़ादीन ढाबा वापस वही है, जैसे बंगाल में बोला जाता है मुल्ला दुर मस्जिद, तो सारे बाइकर्स का यही एक जगह है आने का। एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा फॉर मोटिवेशन। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दिस बॉन्क एंड राइडर साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।